आज हम आपको एक नई स्वीट्स बताएंगे, बेसन और सूजी की। तो हमने एक कटोरी बेसन ले लिया है और आधी कटोरी सूजी, दोनों को मिक्स कर लेंगे। दो चम्मच शुद्ध घी डालेंगे, अपने को जितना जरूरत होगा उतना डालते जाएंगे। इसमें अच्छा सा मोन लगाना है पहले, और इसका एक डो लगा लेंगे आटे के जैसे। इसकी पहले अपन पूड़ियाँ बनाएंगे, फिर उसके बाद अपन इसकी बर्फी बनाएंगे। रक्षाबंधन में यही रेसिपी बनाइएगा, बहुत अच्छी लगेगी, सभी को पसंद आएगी। अपन को लॉकडाउन में अपन बाहर जा नहीं सकते, इसलिए घर में जरूर ट्राई करिएगा इसको। अपना डो लग गया है, देखिए अच्छा मोन हो गया इसमें। और इसको पानी से नहीं, नॉर्मल दूध से अपन इसको सानेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर डो लगा लेंगे। अपना डो लग गया है, जब तक अपन घी गरम कर लेते हैं पुड़ियां तलने के लिए। इसमें 2 चम्मच, इसमें 2 चम्मच दूध लगा है। अब इसको ढककर 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अपना आटा सेट हो गया है, इसकी पुड़ियां बना लेते हैं। छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। और दूसरी साइड चाशनी गरम करने रख देते हैं। 1 कटोरी शक्कर और आधी कटोरी पानी, इसको एक तार की चाशनी बनानी है। जब तक अपनी हो रही है अपन पुड़ियां बेल लेते हैं। पुड़ियां बेल लेते हैं अपन, छोटी छोटी बेल लें, थोड़ी सी मोटी रहेंगी। हाथ की सहायता से ये टूटे तो अपन किसी चीज से ऐसे निकाल लेंगे और बेलते जाएंगे। ये हल्की सी टूटेंगी तो कोई बात नहीं, मोटी मोटी बेल रहे हैं अपन इसको। अपन को तो सिराना है इसको, और अपन कोई चम्मच से या कोई भी चीज से निकाल निकाल के सारी बेल लेंगे। हमने ये सारी बेल ली है, अब इनको सिरा लेते हैं। अपना घी गरम हो गया है, हमने शुद्ध घी डाला है, आप डालडा भी डाल सकते हैं। इसमें दो दो पुड़ियाँ डालकर सिराएंगे। धीमी आंच पर ही सिराना है। अपन को धीमी आंच पर ही इसको फ्राई करेंगे। अपनी देखिए अच्छा कलर आ गया है, अब इसको निकाल लेंगे। दूसरी डाल देंगे। इसी प्रकार सारी सेंक लेंगे अपन। अपनी चाशनी भी हो गई है, गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। पुड़ियां सिक गई हैं, अब इसको ठंडा होने पर तोड़ लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। जब ठंडी हो जाएंगी इसको अपन तोड़कर ग्राइंड कर लेंगे। ये ठंडी हो गई रही अपनी पूरियां, तो हमने इसको तोड़ लिया है, अब जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। अपने को बारीक ग्राइंड करना है। अपना ये पीस गया है, बिल्कुल महीन पीसा है। अपना जैसे थोड़ा बहुत मोटा रह जाता है तो आप चाल लीजिएगा, बिल्कुल बारीक पीसना है इसको। आप थोड़े से ड्राई फ्रूट ले लिए हैं, बादाम काट लिए थोड़ी सी 5-6, और थोड़ी सी चिरौंजी ले ली है, इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है,
और अपने ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं, थोड़ा सा भून लेंगे इसको धीमी आंच पर, 1 मिनट तक भून लेंगे इसको। अपने 1 मिनट हो गए हैं, ये पुड़ी वाला जो पेस्ट है इसी में डाल लेंगे, इसको भी 1-2 मिनट भून लेंगे फिर से। अच्छे से जो घी अपना है वो सारा इसी में आ जाएगा और अच्छे खुशबू आने लगी है इसमें। एक मिनट हो गए हैं, अब इसमें थोड़ा सा खोबा डाल देंगे आधे पाव के हिसाब से, और इसको भी मिक्स कर लेंगे, आधा मिनट और भून लेंगे कि खोबा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये अपना भुंज गया है, गैस ऑफ करके थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब इसमें चाशनी डालकर मिक्स कर लेंगे, अपन इसकी बर्फी भी बना सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं, हम बर्फी बना रहे हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक प्लेट में इसको अपन जमा देंगे थोड़ा सा घी लगाकर। इसमें सारी चाशनी अपनी मिक्स हो गई है, अब एक ट्रे में अपन ऑयल लगाकर या घी लगाकर तैयार कर लेंगे। अब इसमें सारी डाल लेते हैं, अच्छे से फ्लैट कर देंगे। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर देंगे अपन, बादाम और चिरौंजी से, आपके पास जो हो वो डाल सकते हैं। और इसको 2 घंटे के लिए सेट होने रख देंगे। हमारी सेट हो गई है, अब इसको पीस में कट कर लेंगे। अब इसमें चांदी की परत लगा देंगे। हमारी बर्फी रेडी हो गई है, देखिए कितनी अच्छी आ गई है। इसको आप घर में जरूर ट्राई करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।